ये क्वेश्चन है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस ऑफ द ट्रायंगल देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलस। मतलब किसी ट्रायंगल में अगर वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर मींस ये अगर हम लोग वर्टिकल एंगल लेते हैं तो इसका बाइसेक्टर अगर बेस को बाइसेक्ट करता है तो ये ट्रायंगल आइसोसेलस होगा। ये प्रूव करना है, मींस यहाँ प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो इसमें गिवन है कि हम लोग फिगर ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, इसमें ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है और ये बेस बी डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप लिख लीजिए कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। गिवन में हम लोग लिखेंगे, गिवन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू सिंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड बी डी इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। यहाँ रिक्वायर्ड टू प्रूव है, आर टी पी रिक्वायर्ड टू प्रूव ए बी सी आइसोसेलस ट्रायंगल है, मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन लिया। मेरा कंस्ट्रक्शन है कि ए डी को डी तक प्रोड्यूस किए सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई एंड ज्वाइन सी ई। कंस्ट्रक्शन हो गया, ए डी इज, ए डी इज प्रोड्यूस टू ई सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई। अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हम लोगों का क्या है कि हम लोग सबसे पहले ए बी डी ट्रायंगल और ई डी सी ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी, इसमें देखिए आपको बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी गिवन है, बी डी इक्वल टू डी सी ये गिवन है। और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यानी बी डी ए एंगल इज इक्वल टू सी डी ई एंगल। सो एंगल ए डी बी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, ये एंगल, एंगल सी डी ई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड ए डी इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी। ए डी इक्वल टू डी ई दिस इज बाई कंस्ट्रक्शन, नॉट सी पी सी टी, बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से हमारा प्रूव हो गया ए डी इक्वल टू डी ई। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या प्रूव किया, साइड एंगल साइड इक्वल है साइड एंगल साइड के। तो आप लिखेंगे बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी। देखिए ए बी के क्रॉस्पॉन्डिंग, ए बी के क्रॉस्पॉन्डिंग ई सी हो जाएगा एंड बी डी के क्रॉस्पॉन्डिंग, बी डी के क्रॉस्पॉन्डिंग सी डी हो जाएगा और ए डी, और ए डी के क्रॉस्पॉन्डिंग, ए डी के क्रॉस्पॉन्डिंग डी ई होगा। तो by CPCT, by CPCT, AB equal to CE, AB equal to CE, AB equal to EC। और एक चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, इसको हम लोग एंगल थ्री मार्क कर देते हैं। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। एंगल वन क्या है, एंगल ए और इसका एंगल ई, देखिए ए और ई क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, एंगल ए और एंगल थ्री।
अब यहाँ इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब आप आ जाइए हमारा जो गिवन है हमारा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, और हम लोगों ने प्रूव किया एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। तो लिखते हैं बट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अब वन के इक्वल अगर थ्री है और वन के इक्वल टू है, मीन्स थ्री और टू आपस में इक्वल हो जाएंगे, और देयरफॉर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री। अब आ जाइए आप एंगल ए ई सी ट्रायंगल में, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री। तो आपने पढ़ा होगा कि आइसोसेलस ट्रायंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं, या थ्योरम है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स के साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो टू का अपोजिट सी ई है और थ्री का अपोजिट ए सी है। तो आप लिखिए ए सी इक्वल टू ई सी। अब देखिए यहाँ आपने ए बी इक्वल टू ई सी प्रूव किया था, इसको हम लोग अगर इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और यहाँ आपका आ गया ए सी इक्वल टू ई सी, इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का एल एच एस इक्वल है ई सी एंड ई सी। तो जब दो इक्वेशन का एक साइड इक्वल हो तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इक्वल टू ए सी, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, यही आपको प्रूव करना था। ए बी इक्वल टू ए सी, हैंस प्रूव्ड।